आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक युवक मेरे पास में आया कि करीब 25-26 साल का होगा, बोले मुझे नपुंसकत्व आया हुआ है। मतलब भाई ये तेरे को ऐसे पता चला? बोले नहीं, मुझे मालूम पड़ गया। मतलब भाई कोई संबंध है तुम्हारे साथ? मतलब किसी का संबंध हुआ है कुछ? नहीं। बोले कोई लड़की के साथ में संबंध नहीं, कहीं सेक्स करके देखा नहीं है। फिर तेरे को किसने बताया कि भाई ये नपुंसकत्व है करके? नहीं। बोले अभी मुझे ऐसा हो रहा है कि सुबह जब मैं उठता हूँ तो पहले मुझे मॉर्निंग इरेक्शंस आते थे, सुबह सुबह कठोरता लिंग में आती थी, और अभी पिछले 2-3 महीने से लिंग में कठोरता आती नहीं, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं नपुंसक हो गया हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आती तो नहीं आती, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपने कभी कुछ टेस्ट करके देखा है? कहीं गए हैं या फेल हो गए? क्या हुआ? क्या कुछ भी तो नहीं हुआ। बोले भाई ये प्रॉब्लम लेके आप क्यों आए? नहीं। बोले बीच में भी मुझे ऐसा लगता था, मतलब दिन में भी, पहले 1-3 महीने पहले, कि मतलब बीच बीच में कभी लड़की को देख लिया तो इरेक्शन आते थे, दिन में भी आते थे। यहाँ की लड़की के पास में बैठे, या कहीं ट्रैवल कर रहे, या कहीं बस में है तो कहीं धक्का लग गया तो इरेक्शन आता था। अभी बोले बिल्कुल ही नहीं आना। हुआ क्या? तो कुछ नहीं करते करते फिर धीरे से उसने बताया कि मैं हस्तमैथुन कर रहा था, और हस्तमैथुन घर में चालू था तो उतने में ही, मतलब वो दरवाज़ा बंद नहीं था, उतने में उसकी माँ अंदर आ गई, और माँ अंदर आ गई तो एकदम वो चमक गया। उसने कुछ बोला नहीं, माँ ने भी कुछ बोला नहीं, माँ तो चली गई, और उसको ऐसा लगा कि मैंने बहुत कुछ गलत काम किया, ये करना नहीं था। क्योंकि हस्तमैथुन के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत कुछ खराबी है, मतलब गलत फहमियाँ हैं, और उसमें फिर अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, जो मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। अच्छा, वो अभी माँ के साथ में बात करने को तैयार नहीं है। माँ ने पिताजी को बोल दिया कि देखो ये कुछ तो भी कर रहा था, और वो हस्तमैथुन कर रहा था। उसने पिताजी ने उसको बात किया, पिताजी को मालूम नहीं किया। नॉर्मली पिताजी बोलते ऐसा अच्छा नहीं है, ये तू क्या कर रहा है, इससे तो कमजोरी आ जाएंगी, और ये शादी के पहले तो बिल्कुल ही ऐसा करना ही नहीं चाहिए। पिताजी को मालूम नहीं। हमारे देश में इतना अज्ञान है कि वो अज्ञान के हमारे लोग जो पेशेंट है वो पेशेंट बनते रहते हैं। मतलब जो अच्छा चल रहा था उसका, उसकी माँ ने पिताजी को बोला, पिताजी ने आके उसको बोल दिया कि तू क्या कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, और वहाँ से वो पेशेंट बन गया। पिछले 3 महीने से मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने कुछ तो भी गलत काम किया, वो करना ठीक नहीं था, वो दिमाग में इतना घुस गया, उसका इतना उसके ऊपर विश्वास हो गया कि भाई मुझे मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा है, डे टाइम इरेक्शन नहीं आ रहा है, जो स्पॉन्टेनियस आ रहा था अभी वो बंद हो गया, इसका मतलब मैं भी नपुंसक हो गया हूँ। फिर उसने धीरे से बोला कि मैंने कोशिश भी किया, बोले मेरी गर्लफ्रेंड उसके साथ में, और वहाँ जब वो टेस्ट करने के लिए गया कि अभी मैं टेस्ट करता हूँ। अब आप देखो, जब सेक्स के बारे में आप कभी भी टेस्ट करने जाते हो तो दिमाग में क्या है? दिमाग में टेंशन है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, मतलब अपना मन कहाँ है, विचार कहाँ चालू है, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और फिर वहाँ से कहाँ है, लिंग के तरफ देख रहे, कठोरता आई कि नहीं आई, टेंशन आया कि नहीं आया, इरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इसमें तो बिल्कुल होता ही नहीं। जब सेक्स करते हैं तो पूरा आपका ख्याल जो है वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए। उसके साथ में बातचीत है, उसके साथ में प्यार है, उसके साथ में आप अच्छी बातें करके उसको एक्साइट कर रहे हो, वो आपको एक्साइट कर रही है, और आप पूरी तरह सामने के व्यक्ति के साथ में हो, पूरी तरह वहाँ हो, सामने हो, उसके साथ में हो, वो व्यक्ति आपके साथ में है। जब आपका पूरा ख्याल यदि लिंग के ऊपर है तो कठोरता आना मुश्किल है, टेंशन जब यहाँ है तो कठोरता आना मुश्किल है। तो ये जब मैंने उसको समझाया पूरा कि भाई मास्टरबेशन जो है वो इंजूरियस नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई खराबी नहीं है, उसको सब पूरा काउंसलिंग किया, उसको मैंने मेरे पूरे वीडियोस देखने के लिए कहा, और वो बोले ठीक है, अभी मुझे समझ में आ गया, मैं आपको मिलता हूँ। बोले कुछ दवाई दे दो मॉर्निंग इरेक्शन के लिए, मेरा कुछ दवाई की जरूरत नहीं है, एक भी दवाई मत लो, किसने दिया तो भी मत लेना दवाई, वो नॉर्मल हो जाएंगे, कोई चिंता मत करो। जितने ये क्या है, ये पैराडॉक्सिकल है, जितना पैराडॉक्सिकल का मतलब ऐसे, जितनी ज़्यादा चिंता करोगे उतना ज़्यादा इरेक्शन नहीं आएगा, उतना कम इरेक्शन आएगा। जितनी ज़्यादा टेंशन, जितना ज़्यादा टेंशन लोगे उतना कम इरेक्शन आएगा। जितना आप इसको छोड़ देंगे, ख्याल नहीं देंगे, उसकी चिंता नहीं करेंगे, इरेक्शन आप ही आप आना चालू हो जाएगा। तो ये पैराडॉक्सिकल है, ये उसको समझा के दिया, और वो शांति से गया। कुछ दिन बाद में मुझे मिलने के लिए आया, बोले नहीं अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब से आपने मेरे को समझा के दिया तब से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अभी मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।